इस वैद्य विज्ञान केंद्र के संचालन समिति के सदस्य प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी सर आईआईटी बीएचयू को आमंत्रित करूंगा कि कृपया वे अपने विजन से हमें परिचित कराएं, जिससे कि यह केंद्र लाभान्वित हो और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। सम्मानीय आचार्य प्रोफेसर शर्मा जी, आचार्य कमलेश झा जी, संकाय प्रमुख मित्रवर आचार्य उपेंद्र त्रिपाठी जी, आचार्य उपेंद्र जी और सभागार में बैठे हुए विद्वजन विद्यार्थीगण, गुरु जी के बाद हृदय रंजन शर्मा जी के बोलने के बाद बहुत कुछ बचता नहीं है। कहीं स्थूल जगत से संबंधित दो एक शब्दों का मतलब खाली स्पष्ट करते हुए कि ये दृश्य जिसकी चर्चा उपेंद्र जी ने किया है वो दृश्य क्या है, हम हर तरह प्रत्येक प्रकार की जो गतिविधियों जिनमें कि हम सम्मिलित होते हैं अपने जीवन में और समाज के जीवन के क्रम में, उनके जो रूप निर्धारित होते हैं वह सामान्यतः इस दृष्टि से निर्धारित होते हैं कि हमारे लिए सुविधाओं का निर्माण किस प्रकार से हो, इसीलिए प्रौद्योगिकी का इतना महत्व उठता गया, इसीलिए प्रौद्योगिकी संस्थानों का भी महत्व बढ़ गया है, सुविधाओं का किस तरह से निर्माण होता है। लेकिन जैसा कि बताया गया कि पूरे अस्तित्व में प्रकृति केवल एक भाग है, वह चीजें जो पदार्थ रहते हैं जो दिखाई पड़ती हैं, जिनको हम छू सकते हैं महसूस कर सकते हैं, वो सब प्रकृति पदार्थ है, वो पदार्थ जगत है। और पदार्थ जगत जैसा गुरु जी ने बताया वस्तुतः पदार्थों के भीतर यह ज्ञान होता है कि वह कौन सा पदार्थ किससे मिलकर के क्या बनाएगा। तो अगर विज्ञान की दृष्टि से कहें तो इनको अतिरिक्त परमाणु कहा जाता है, इनके जो परमाणु होते हैं अतिरिक्त होते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा तो पानी मिल जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, ये सब अतिरिक्त परमाणु होते हैं। और जो मुख्य चर्चा गुरु जी ने किया था कि जो तृप्त परमाणु होते हैं वो अखंड ऊर्जा के भंडार होते हैं, इसलिए जो आकाश तत्व है ये जो पूरा आकाश तत्व है अखंड ऊर्जा का भंडार है। तो जब भी आकाश में कहीं पर भी विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है तब फिर ऊर्जा निकलती है, इसलिए अपार ऊर्जा निकलती है। कोई भी जो रचना है जैसे मनुष्य के शरीर की रचना है, तो जैसा बताया कि आप देखिएगा तो हमारे शरीर के भीतर मुंह से लेकर के और गुदा दांत एक खाली स्थान है, इसी तरह शरीर के भीतर जाए तो जितने अवयव हैं सबके बीच में खाली स्थान है, आकाश तत्व है। तो जब हम आप चलते हैं, जब हम चल रहे होते हैं तो उस समय आकाश तत्व ये पूरा एक है, ये तारतम्य है पूरे आकाश तत्व का, ये अविच्छिन्न है, इसको आप टुकड़ों में बांट नहीं सकते। तो जब हम यहां से वहां आगे बढ़ते हैं तो फिर से वो आकाश तत्व सम्मिलित हो जाता है, वही आकाश तत्व चलता रहता है, इसीलिए अपार है, अगम है और हम इसको आर पार देख नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से आकाश तत्व जो है वो जितने तरह के पदार्थ हैं उनके भीतर निहित है। सामान्यतः ये जो रचना होती है जिसमें कि जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल करके पानी बना लेता है, तो ये सब ज्ञात विज्ञान ने किया है, ये है पहले से प्रकृति के का जो सत्य है, ये जो भी जो अस्तित्व का जो सत्य है वो पहले से विद्यमान है। केवल वो डिस्कवरी का मतलब यही होता है कि कवर पड़ा हुआ है, माया का कवर पड़ा हुआ है, उसको आप हटा दीजिए। माया माने माया, माँ माने नहीं है, माने जो समथिंग दैट एग्जिस्ट बट डज नॉट अपीयर टू बी एग्जिस्टिंग, रादर समथिंग दैट अपीयर्स टू बी एग्जिस्टिंग बट इट इज नॉट देयर। माँ माने नहीं है, जो है ही नहीं लेकिन लगता है कि है, तो उस तरह से देखने की प्रवृत्ति है। अगर जैसे इसमें मैं एक ही विषय का उदाहरण दूंगा उसको समझने का, जो प्रकृति के सत्य की ओर उन्मुख करने की दृष्टि है वो हमको उन प्रक्रियाओं की तरफ प्रेरित करती है जो जैसा गुरु जी ने बताया जो उस चेतना शक्ति को संवर्धित करता है। मतलब जीवन के क्रम में और अस्तित्व के इस अस्तित्व के चलने का जो विनियमन है, लॉस ऑफ एग्जिस्टेंस जो है, उनके हिसाब से जो चलने वाली चीजें होती हैं उनका एक अर्थ होता है। तो अगर हम रुपए पैसे की बात भी करते हैं तो रुपए पैसे का पैदा होना, उनका उपयोग होना, उनके द्वारा किसी प्रक्रियाओं का संचालन होना,
अगर वो उस जो अस्तित्व के सत्य का जो विनियमन है उसके अनुरूप चलता है तो वो अर्थशास्त्र है, और अगर उसके विरोध में चलता है तो अनर्थ शास्त्र है। तो जो कुछ भी अभी दुनिया में चल रहा है वस्तुतः एक अनर्थ शास्त्र चल रहा है। इसीलिए बहुत सारा आता है कि साहब GDP बहुत बढ़िया हो जाएगा, दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी, फिर पता लगता है कि नहीं GDP से काम नहीं चलेगा। फिर अब लोग धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिए इमोशनल वेलबींग इंडेक्स, लोग ठीक ठाक मानसिक चेतना की दृष्टि से ठीक ठाक है कि नहीं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है पैसे की दृष्टि से। यही उद्देश्य है जिसके लिए संभवतः इस वेद विज्ञान केंद्र की रचना हुई और इस संस्थान के बारे में दृष्टि है। तो चाहे वो क्षेत्र प्रौद्योगिकी का हो, चाहे अर्थशास्त्र का हो, या कि वो क्षेत्र चिकित्सा विज्ञान का हो, उस चेतना की समझ विकसित करना और उस समझ के अनुरूप। तो पिताजी हमारे कहते थे कि अगर आप बनारस पर खड़े हैं तो आप यहाँ से दिल्ली की तरफ भी जा सकते हैं, कलकत्ते की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका मुँह कलकत्ते की तरफ है और पहुँचना दिल्ली चाहते हैं, चाहे जितनी तेज चल के भी पहुँचेंगे नहीं, लेकिन अगर आप यू आर फेसिंग टूवर्ड्स दिल्ली और दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली की तरफ आपका मुँह भी है, मुख भी आता है, तो धीरे धीरे भी चले तो एक दिन पहुँचेंगे। तो अगर दृश्य सही होगी तो जितने तरह की विज्ञान की प्रगति, वेद शब्द अपने में अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज पूरी दुनिया मान रही है ऐसा नहीं है। अगर आप जाइएगा तो इंडो स्लोवेनियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है, इसमें चेक स्लोवाक लैंग्वेज है, रूसी भाषा है, यूक्रेन की भाषा है, वहाँ पर सत्य जब कहना होता है, असली सत्य कहना होता है, उसको वेद कहते हैं। अखबार जो छपता है मास्को का जिसका प्रावदा नाम है, वो प्रावदा शब्द आता है इसी से, वो वेद से शब्द से आता है। तो विश्व में दुनिया में लोगों ने वेद शब्द को एक महत्व युगों युगों से दिया है, कितने समय से दिया है, क्योंकि वेद शब्द जो है वो चेक भाषा में, स्लोवाक में, पोलिश में और रूसी में आज से नहीं है। उनको सामान्य सत्य कहना होता है तो उसके लिए दूसरा शब्द भी है, इस्तीना है, लेकिन जब उनको ऐसा सत्य कहना होता है जिसको कोई काट नहीं सकता है तो वेद शब्द का उपयोग करते हैं। ये जो महत्वपूर्ण एक निर्णय हमारे देश में हुआ है, जिसके कारण से आज हमारे यहाँ वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है और आज तीसरा वर्ष जो पूरा हुआ है, और कम समय में, सामान्यतः सरकारी काम बहुत धीरे धीरे होते हैं, लेकिन समय से ये भवन इसका निर्माण हुआ है और इस समय वातावरण भी अनुकूल है देश का, प्रदेश का, जिसके कारण ये सब संभव हुआ है। हम ये कामना करते हैं कि इससे अधिक से अधिक लोग परिसर के और परिसर के बाहर से जुड़ेंगे, और जिनको भी काशी में रहना है नौकरी में रहते हुए अवकाश प्राप्त करने के बाद, सबके लिए समय देने का यह स्थान है और हम लोग इसकी उन्नति की कामना करते हैं और गुरुजनों को बहुत बहुत ही बधाई देते हैं कि आपके सौजन्य से विश्वविद्यालय में, परिसर में और मंदिर के बगल में इस प्रकार के केंद्र की स्थापना हुई है। आज अत्यंत हर्ष का दिवस है कि इस भवन में बैठ करके एक कार्यक्रम संपादित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।